125 सीसी सेगमेंट में जब भी बजाज ने अपनी नियॉन लॉन्च की, पल्सर नियॉन, तब ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है अपना सेल फिगर इसने बढ़ा लिया और कहीं ना कहीं सभी को पछाड़ करके अपना एक स्टैंड बना लिया। अब जहाँ तक थोड़ा सा अलग लुक की बात थी, जैसे कि स्प्लिट सीट अभी अभी लॉन्च करी है बजाज ने, इससे पहले ये लॉन्च की गई थी कुछ जगह पर जैसे हैदराबाद या फिर उस साइड में एक ट्रायल पर्पज़ के लिए इसे उतारा गया था और अब पूरे इंडिया में इसे सर्कुलेट किया जा रहा है बजाज द्वारा। तो आइए जानते है इस 125 सीसी स्प्लिट सीट जो कि बजाज की ओर से आ रही है, जिसका नाम पल्सर स्प्लिट सीट 125 के नाम से जाना जाता है इसे, इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें जो कि हमें मार्केट रिव्यू से पता चली है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। सब कुछ जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। अगर मैं बात करूं इसके लुक की तो हमेशा से ही ये सब्जेक्टिव मैटर रहा है। हो सकता है मुझे इसका लुक अच्छा लगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, आप मुझे कमेंट में बताना। प्रॉपर पल्सर 150 ट्विन डिस्क की जो फीलिंग है वो यहां पर आपको मिलती है इस 125 सीसी सेगमेंट की गाड़ी में। इसके अलावा जब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की तो यहां पर वही पल्सर की बिल्ड क्वालिटी, बेहतरीन और मजबूत क्वालिटी मिल रही है। वैसे भी बजाज ने काफी हद तक इस गाड़ी में सुधार कर दिया है, जो कि जो पहले स्पेयर पार्ट मिला करते थे आपको, प्लास्टिक क्वालिटी, फैब्रिक क्वालिटी, सीट की क्वालिटी, उससे बेहतर BS6 में करके यहाँ पर मिल रही है आपको। रियर मड गार्ड है या फिर सीट की क्वालिटी है, हैंडल्स की क्वालिटी, स्विचेस की क्वालिटी, जो हेडलाइट है उसकी क्वालिटी, रियर लाइट की क्वालिटी, प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, एवरीथिंग A1 क्वालिटी का आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई दोहराया नहीं है। जब आप इसे टच करोगे, फील करोगे, चलाओगे, तब आपको प्रॉपर 150 सीसी सेगमेंट की जो गाड़ी है उसी की फीलिंग मिलने वाली है। 125 सीसी की गाड़ी होकर भी इसका जो कर्व वेट है वो 142 kg मिल रहा है, तो इस हिसाब से बॉडी टू वेट रेशियो काफी अच्छे से बना करके इस गाड़ी में मिल रहा है और इसका प्रभाव हाईवे पर भी आपको दिखता है, काफी स्टेबल चलती है इस वजह से। 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि आप किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्तों पर या फिर खराब रास्तों पर जाओगे तब भी नीचे से कुछ हिट होने का चांस नहीं है। अब इनिशियल पिकअप इसका जो है अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है, बेहतरीन मिला हुआ है, बेस्ट इन द सेगमेंट कहने में भी कोई हर्जा नहीं है। जब आप इस गाड़ी को सिटी में चलाते हो तो इसका जो व्हील बेस है 1320 mm का, 1320 जो mm का जो व्हील बेस है वो मिल रहा है, तो इस हिसाब से टर्निंग रेडियस यानी कि कितनी कम जगह में गाड़ी घूम जाती है आपकी वो यहां पर दर्शाता है। तो सिटी राइडिंग के लिए काफी अच्छी ये साबित होती है, 1320 ज्यादा नहीं है और इस हिसाब से सिटी के लिए ये काफी अच्छा आपको मशीन साबित होने वाला है। थोड़ा सा जो क्लच है इसका हार्ड लगा हुआ है, पर्सनली जब मैंने इसे ट्राई किया तो थोड़ा सा इसका क्लच कहीं ना कहीं हार्ड लगता है। 1.5-2 घंटे के बाद ट्रैफिक में कंटिन्यू फंसे हो आप, बहुत लंबी ट्रैफिक है, बार बार क्लच दबाना पड़ रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ को थोड़ा सा दर्द जो है महसूस हो सकता है, लेकिन बहुत लंबी ट्रैफिक में हो तब भी। हाईवे राइडिंग की बात कर ली जाए तो प्रॉपर पल्सर 150 की ही फीलिंग आपको यहां पर दिलाता है हाईवे पर भी, सिटी में तो है ही है, इसके साथ बिल्ड क्वालिटी में भी आपको ये उसी तरह का फील दिलाती है। अब हाईवे राइडिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको ये काफी स्टेबल चलती है, जैसे मैंने शुरू में कहा 142 kg का इसका ओवरऑल कर्व वेट आपको मिल रहा है। हवा के झोंके आते हैं, बाजू से कोई बड़ा हेवी ट्रक निकल जाता है स्पीड में और उसके व्हील्स आते हैं, आपको टकराते हैं, फिर गाड़ी लहराती है, कहीं ना कहीं अनकंट्रोलेबल हो जाती है। बारिश के दिन है, बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है, आड़ी चल रही, टेढ़ी चल रही इधर उधर से, तब गाड़ी का कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ने लग जाता है, लेकिन वो वाली चीज आपको इस गाड़ी पर नहीं मिलने वाली है। काफी स्टेबल, चिपक कर चलती है, पकड़ कर चलती है हाईवे पे, ये इसका कहीं ना कहीं अच्छा है। और साथ ही ये 100 km/h तक का स्पीड आराम से क्रॉस कर लेती है, इसमें भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ना ही आपको पावर लैक महसूस होगा और ना ही ये वाइब्रेशन करेगी। अब ये चीज भी बताने लायक है, इतने स्पीड पर भी इस गाड़ी पर किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होता है, ना ही फुटफेक्स पर होता है, ना ही हैंडल बार पर होता है और ना ही पिलियन को पीछे किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन महसूस होता है। इस गाड़ी की ओवरऑल जो हैंडलिंग है उसे और भी बेहतर बनाते हैं इसके ट्यूबलेस टायर्स। फ्रंट में 80x100 17 इंचेस, रियर में 100x90 17 इंचेस ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे, बेस्ट इन द सेगमेंट, क्योंकि इतना ब्रॉड टायर जो रियर टायर है वो किसी भी 125 सीसी सेगमेंट की गाड़ी में आपको नहीं मिल रहा है, जो कि 150 सीसी सेगमेंट की गाड़ियों में कहीं ना कहीं आपको मिलता है। तो हैंडलिंग और स्टेबल एबिलिटी जो है इसकी बनाने में ये जो टायर से बहुत बड़ा रोल अपना अदा करते हैं। कॉर्नरिंग भी आपको इस टायर्स की वजह से और जो ओवरऑल कर्व टू बॉडी टू वेट रेशियो मेंटेन करा गया है वहां पर भी काफी अच्छी हेल्प आपको कॉर्नरिंग में दिलाता है। आइए इस गाड़ी के दिल की बात कर लेते हैं और कितना जोर से ये धड़कता है इसकी भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल 124.4 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve ट्विन स्पार्क BS6 इंजन इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। बजाज की अपनी DTSI टेक्नोलॉजी इसमें मिल रही है, वही इसमें आपको ई कार्बोरेटर मिल रहा है। अब ये जो मैक्सिमम पावर है 11.8 PS की जनरेट करता है, मैक्सिमम
टॉर्क 10.8 न्यूटन मीटर का जनरेट करता है। यहाँ पर आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। इस इंजन के बारे में अगर बताऊँ तो यह काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन लगा हुआ है। जैसे मैंने कहा 100 भी ये आराम से क्रॉस कर लेती है, ऐसे में भी दिक्कतें नहीं आती है, वाइब्रेशन नहीं होते हैं, वही इंजन के अंदर किसी भी तरह का नॉक नॉक या फिर अलग ही किस्म का आवाज़ आपको महसूस नहीं होगा हाई स्पीड में भी। बस एक चीज़ होती है, जो पल्सर होती है इनका टाइम टू टाइम आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये लाइफ लॉन्ग आपको जो है सस्टेन करेगी। इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है और ये काफ़ी स्मूथ गियर बॉक्स है, ये मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, कहीं पर भी अटक रहा है फिर खटक रहा है ऐसा महसूस आपको नहीं होगा। वही जब हर गियर की एक कैलकुलेटिवली पावर देखी जाए तो फर्स्ट गियर में कितनी होनी चाहिए, सेकंड में कितनी होनी चाहिए, थर्ड में कितनी होनी चाहिए, फिफ्थ में कितनी होनी चाहिए, जब आप बड़े से बड़े पहाड़ पर या फिर चढ़ान पर चढ़ते हो तो आपको हर एक गियर में ये अच्छे से पावर प्रोवाइड करता है। पावर डिलीवरी बेहतरीन इस गाड़ी में आपको मिल रही है। इस गाड़ी का 790 mm सीट हाइट आपको मिल रहा है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है या फिर उससे ज़्यादा है तो आप इसे कंफर्टेबली चला सकते हो। अगर वन साइड बैठने वाला पिलियन है या फिर बैठने वाला जो भी हो सकता है उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि इसकी जो फ्रंट ब्रेक है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, जब आप अप्लाई करोगे तो बंदा आपके ऊपर आपके पीठ पे आ सकता है या फिर बंदी। तो दोनों साइड बैठने वाला बैठने वाली जो भी कोई है तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी, सिंगल साइड कहीं ना कहीं आ सकती है, डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्किल। अब अगर बात कर ली जाए कंफर्टेबल एबिलिटी की तो सस्पेंशन के मामले में भी ये गाड़ी कहीं पर पीछे नहीं है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन आपको मिल रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट माने जाते हैं, क्योंकि एक दिन में आप कम से कम 400-500 किलोमीटर की राइड आराम से कर लोगे तब भी आपको इस गाड़ी पर हाथों में कंधों में पीठ में दर्द महसूस नहीं होगा। तो ये भी एक इसकी जो है पॉजिटिव पॉइंट्स अपन यहाँ पे मान सकते हैं इसका। वही जब 70-75 के स्पीड पर पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो इसमें आपको ड्रम और डिस्क जो है ब्रेकिंग मिल रहा है। फ्रंट आपका कहीं ना कहीं ज्यादा एग्रेसिव है और रियर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मूथ है। अगर आप दोनों ब्रेक एट अ टाइम लगाते हो तो कहीं ना कहीं गाड़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अगर सिंगल ब्रेक से आप कंट्रोल करना चाहोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हैलोजन हेडलैम्प आपको मिल रहा है, ये भी काफी अच्छा विजुअल एबिलिटी अपने आप में रखता है डार्क नाइट में भी। 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। माइलेज टेंटेटिव ही मैं बता पाऊंगा यहाँ पे 50-55 किलोमीटर पर लीटर तक का मिल सकता है। वैसे भी माइलेज हर लोगों को अलग अलग मिला हुआ है, कुछ लोगों को 55 मिला हुआ है, कुछ लोगों को 50 मिला हुआ है, तो ये आपके राइडिंग स्किल पे डिपेंड करता है। एक शोरूम जो प्राइस है इसकी, अब ये भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपको अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग वेरिएंट्स जो है अवेलेबल हो सकते हैं। तो आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर इसकी एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस क्या है आप पता कर सकते हो। अब अगर सर्विस नेटवर्क की बात कर लूँ या फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात कर लूँ तो देखो पल्सर 150 का ही कहीं ना कहीं ये जेरोक्स है, उसी की छोटी बहन है। अब इसके स्पेयर पार्ट बनाने में ज्यादा देर तो नहीं लगेगी, अवेलेबिलिटी भी कुछ हद तक अच्छी हो सकती है, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं बताऊँ रूरल एरियाज में आपको पल्सर के यानी कि पर्टिकुलर इसी 125 स्प्लिट सीट के स्पेयर पार्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ समय बाद ये अपने आप जो है अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ये काफी पॉपुलर गाड़ी है और हर जगह इसे बेचा जा रहा है। वही जब मेंटेनेंस कॉस्ट की बात आती है तो 350 रुपए यानी 350 से लेकर 500 रुपए के बीच में वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी आपको मिल जाएगी। वही जब आप इसका कोई एक्स्ट्रा यानी कि अलग से स्पेयर पार्ट जो है चेंज करोगे तो उसकी ऑब्वियसली अलग से कॉस्टिंग आपको लगनी है। अब अगर मोरल की बात कर ली जाए कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए या फिर किन लोगों को इस गाड़ी की ओर बढ़ना चाहिए और किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे ऐसा है, अगर आपका बजट कम है और आप 125 सीसी में ही 150 सीसी का मजा लेना चाहते हो और आप एक फंकी राइडर हो, आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपको लुक और जो माइलेज है वो भी मायने रखता है, साथ ही साथ अगर पावर और टॉर्क भी आपको चाहिए, पिकअप भी कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये गाड़ी मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। बिकॉज ऑफ इस गाड़ी में आपको 80,000 से लेकर 90,000 का जो पैकेज रखा है बजाज ने, इस पैकेज में कहीं ना कहीं एक बेहतरीन गाड़ी साबित होती है, बजाज की गाड़ी है। कई सारे लोगों को ये मिथ होती है या फिर कुछ अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस मिला हुआ है कि बजाज की गाड़ियों के इंजन जल्दी से बजने लग जाते हैं, तो देखो ऐसा है कि अगर आप टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं करोगे, टाइम टू टाइम जो इंजन ऑयल है वो चेंज नहीं करोगे और जो भी है पूरी गाड़ी का अगर ख्याल नहीं रखोगे अच्छे से, तो आपको ये प्रॉब्लम सिर्फ बजाज ही क्यों नहीं हो, बाकी और भी गाड़ियां हैं उनमें भी आ सकता है। पर्सनली अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो वो भी यही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपके जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।